पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने भिवानी में अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कल मैं भिवानी स्थित लघु सचिवालय में भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में नामांकन करने के लिए गया था और वहीं जब कांग्रेस प्रत्याशी के लोग आए तो उन्होंने उन्हें धमकाया कि अपना नाम वापस ले लें। भिवानी हेडक्वार्टर के सभी प्रेस के मित्र अचानक मुझे बुलाने की एक जरूरत पड़ी। आपके समक्ष कुछ बात कहने के लिए मैं आया हूं। टिकटों का बंटवारा भी हो चुका। ये पार्टी का निर्णय है कौन पार्टी किसको टिकट दे, किसको सही माने, वो पार्टी का नेतृत्व का अपना अधिकार है। मैं भी 24 साल से पिछले अपने भवानीखेड़ा इलाके में 59 विधानसभा भवानीखेड़ा में 3 बार एमएलए भी रहा, सीपीएस भी रहा और 2 इलेक्शन में हारा, लोगों के बीच रहा हूं। हमारे यहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने 59 के अंदर जो विधानसभा उसके अंदर प्रतीक नरवाल जी को टिकट दी है।